हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जानेंगे रिवाइज रिटर्न के बारे में कि रिवाइज रिटर्न क्या होता है, कौन लोग फाइल कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न, कितनी बार फाइल करना होता है, कब तक हम फाइल कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न, और साथ ही जानेंगे प्रोसीजर कि किस तरह से रिवाइज रिटर्न को फाइल किया जाता है। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे रीसेंट अपलोड्स आप तक पहुंच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ब्रीफ में जान लेते हैं कि रिवाइज रिटर्न होता क्या है। ITR फाइल करते समय अगर आपसे उसमें कोई मिस्टेक हो गई या आप कोई इन्फॉर्मेशन डालना भूल गए, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कोई अदर सोर्सेस से कोई इनकम है और आप उसको डालना ITR में भूल गए, या फिर आपका होम लोन का इंटरेस्ट है और आप उसका बेनिफिट लेना भूल गए, या फिर 80C में आप कोई डिडक्शंस हैं और आप उसका बेनिफिट लेना भूल गए, चाहे वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 80C के डिडक्शंस, 80C से लेकर के 80U तक के जितने भी डिडक्शंस हैं, वो डिडक्शंस, चाहे आप कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आप उसमें डालना भूल गए, या आपने कोई गलत फिगर डाल दी, जीरो डालने की मिस्टेक हो गई, तो आप एक दूसरा रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसी रिटर्न को बोला जाता है रिवाइज रिटर्न। आप अपने रिटर्न को चाहे कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने जो दूसरी रिवाइज रिटर्न फाइल की और उसमें भी आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आप कोई इन्फॉर्मेशन डालना भूल गए, तो आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, आप एक तीसरी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आप कितनी बार भी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू के टाइम लिमिट, जो कि टाइम लिमिट बताई गई है रिटर्न को रिवाइज करने के लिए। असेसमेंट ईयर 17-19 तक ये रूल था कि अगर आपने ITR फाइल करने की लास्ट डेट मिस कर दी, यानी कि आपने अपना ITR फाइल किया 31 जुलाई के बाद, तो आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करने की फैसिलिटी नहीं मिलती थी। बट असेसमेंट ईयर 18-19 से चेंज हो गया है और अब अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी, यानी कि जो हमारी इस साल की डेडलाइन थी 31 अगस्त, अगर आपने उसके बाद भी रिटर्न फाइल किया है तब भी आप ITR को रिवाइज कर सकते हैं, अगर आपने ITR में कोई मिस्टेक कर दी या कोई ओमिशन कर दिया। और कब तक रिवाइज कर पाएंगे? तो दोस्तों, रिटर्न को रिवाइज करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2019, तो इस डेट तक ही आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर पाएंगे। कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितनी बार भी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट ईयर के रूल्स रेगुलेशंस को बिल्कुल भूल जाइएगा, क्योंकि लास्ट ईयर हम अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते थे असेसमेंट ईयर खत्म हो जाने के एक साल बाद तक, लेकिन अब चेंज हो गया है। अब आप अपने ITR को सिर्फ असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने तक ही रिवाइज कर पाएंगे, और असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए हमारी टाइम लिमिट है वो है 31 मार्च 2019। अगर हम पिछले साल के रूल्स की बात करें तो अगर वो रूल्स अप्लाई होते तो हम अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते थे 31 मार्च 2020 तक। तो उन रूल्स को आप बिल्कुल भूल जाइएगा, रिवाइज रिटर्न के रूल्स चेंज हो गए हैं। एक तो आप अपना रिटर्न कभी भी रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी है, और दूसरा कि आपको 31 मार्च 2019 तक, यानी कि असेसमेंट ईयर एंड होने तक आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति जिसने ITR फाइल की है वो ITR रिवाइज कर सकता है, चाहे वो कोई सा भी फॉर्म हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चाहे जो भी आपने ITR फाइल की है आप रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपने गलत फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है, मतलब कि अगर आपको ITR 4 सेलेक्ट करना था और आपने ITR 3 में अपनी रिटर्न भर दी, तो आप वो चीज़ भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न फाइल करके आप रिवाइज रिटर्न में अपना अकॉर्डिंगली फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने गलत फॉर्म फिलअप कर दिया था। इसके अलावा जो एक बहुत ज़रूरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि रिटर्न को ई वेरीफाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल की है और उसे ई वेरीफाई किया हुआ है तभी आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने ई वेरीफाई नहीं किया तो आपको पहले ई वेरीफाई करना होगा, उसके बाद आप रिटर्न को रिवाइज कर पाएंगे। और रिवाइज रिटर्न फाइल करने के बाद भी आपको वहाँ पे प्रोसेस छोड़ना नहीं है, आपको रिवाइज रिटर्न को भी ई वेरीफाई करना है, वरना रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। तो ई वेरीफाई करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसके अलावा एक कंडीशन और भी है दोस्तों, कि जब भी आप अपना ITR रिवाइज करने बैठें तो सबसे पहले आप अपना ITR स्टेटस जरूर चेक करें। अगर ITR स्टेटस में आ रहा है कि ITR प्रोसेस्ड, तब फिर ध्यान रखिए कि आप ITR को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपना ITR फाइल किया और आपने उसको ई वेरीफाई कर दिया लेकिन अभी वो डिपार्टमेंट ने अभी उसको प्रोसेस नहीं किया है, तो आप अपने ITR को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि ITR प्रोसेस्ड, मतलब कि AO ने आपके ITR को प्रोसेस कर दिया है, उसको सही रिटर्न मान लिया है, तब आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा
अलावा अगर आपने आईटीआर रिवाइज करने की डेडलाइन मिस कर दी, यानी कि 31 मार्च 2019, अगर आपने वो डेट मिस कर दी तो तब भी आप अपना आईटीआर रिवाइज नहीं कर सकेंगे। अब जानते हैं प्रोसीजर कि आईटीआर को रिवाइज कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहले आना है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन सारी सेम रहेंगी, जो भी आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एड्रेस, वो सब, अगर आपको अगर उसमें कोई चेंज है तो आप वो कर सकते हैं। मेनली जहाँ पर हमें चेंज करना है वो है ये रिटर्न फाइलिंग सेक्शन। यहाँ पर दिया हुआ है रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5). तो अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको इस वाले सेक्शन को सेलेक्ट करना है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको रिटर्न फाइलिंग टाइप में यहाँ पर रिवाइज सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे ये यहाँ पर पूछेगा ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट नंबर। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक मेरे पास आईटीआर वी है क्लाइंट का, और आप अपना आईटीआर वी जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा हुआ दिखेगा। ये इस वाले नंबर को आपको वहाँ पर फिलअप करना है जहाँ पे आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट नंबर, और इसके बगल में ही यहाँ पर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न पूछ रहा है। यहाँ पर आपको डेट देनी है जो आपने जिस भी डेट में आपने अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था। जैसे कि इस वाले केस में यहाँ पर डेट है, तो इस वाली डेट को आपको वहाँ पर फिलअप करना है। ये वाला आईटीआर भी लास्ट ईयर का है, इसलिए इसमें मार्च 2017 लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने इस साल वाले आईटीआर की डेट डालिएगा जो भी आपके आईटीआर बी में लिखी हुई है। यहाँ पर डेट डाल देने के बाद बस अब आपको और कुछ नहीं करना है, आपको बस अब हम आगे वाले सेक्शन में चलेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वैसे ही फिलअप करनी है जैसे आपने अपने ओरिजिनल रिटर्न में फिलअप की थी। साथ ही आपने जो एरर कर दी थी या जो ओमिशन हो गई थी आपसे, वो आपको यहाँ पर एडिशनल डाल देनी है। अगर आपसे सेक्शन 80C में कोई बेनिफिट लेना रह गया था तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न में सारी फिगर्स डाली थी, वो सारी फिगर्स भी यहाँ पर आएंगी। ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ आपने ओमिशन वाला अमाउंट यहाँ पर लिख दिया, आपको फिर से रिटर्न फाइल करनी है और आपको सारी फिगर्स देनी है जो भी फिगर्स आपने ओरिजिनल रिटर्न में दी थी, और साथ ही आपको जो भी आपने एरर या ओमिशन कर दी थी वो आपको यहाँ पर करेक्ट कर देनी है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने अपनी ओरिजिनल रिटर्न में सैलरी शो की थी 5 लाख रुपए की, और ATC में डिडक्शंस मैंने क्लेम कर लिए थे 1.5 लाख रुपए के, और मैंने अपना ITR फाइल कर दिया था, लेकिन मुझसे मिस्टेक क्या हो गई कि मेरा होम लोन का इंटरेस्ट भी था जिसका बेनिफिट मैं लेना भूल गई। तो मैं इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल इनकम टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर इस वाले सेक्शन में मैं यहाँ पर होम लोन का इंटरेस्ट फिलअप कर दूंगी। मान लेते हैं कि 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पोर्शन है, वो मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया जो मैं अपने पिछले ITR में क्लेम करना भूल गई थी। तो यहाँ पर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम रिकम्प्यूट हो गई, नेट टैक्सेबल अमाउंट भी हमारा रिकम्प्यूट हो गया, और मेरा टैक्स निल हो गया। जबकि पहले जब मैंने क्लेम नहीं किया था ये इंटरेस्ट पोर्शन, तो मेरा टैक्स बन रहा था। इतना फिलअप करने के बाद अब आपने जो भी टैक्सेस पे किए हैं उन टैक्सेस की फिगर आपको यहाँ पर देनी होगी। तो टैक्स डिटेल्स में चलते हैं। अगर आपका कोई TDS है तो वो यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कुछ पे किया था अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दे देनी है, कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एडवांस टैक्स की डिटेल्स मान लीजिए कि आपकी 26AS में से यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है, तो आप एडवांस टैक्स की डिटेल्स भी दे सकते हैं। और अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर दे दीजिए, जिससे कि जो भी हमारा अमाउंट एक्सेस हमने पे कर दिया है वो हमारा रिटर्न में रिफंड क्लेम हो जाएगा।
जैसे कि हमने ओरिजिनल रिटर्न जब फाइल किया था तो उस समय हमने टैक्स पे किया था, क्योंकि हमारा लोन अमाउंट फिलअप करना रह गया था जिसकी वजह से हमारा टैक्स बन गया था। लेकिन अब जब हम रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं और इंटरेस्ट पोर्शन क्लेम कर रहे हैं तो हमारा टैक्स पोर्शन निल हो गया, तो जो भी हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था पहले वो सारा हमारा रिफंड हो जाएगा। और उसको रिफंड लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर टैक्स का अमाउंट ज़रूर फिलअप करें जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है। इसको फिलअप कर देने के बाद हम आगे चलेंगे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन के कॉलम पर, और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर रिफंड निकल कर आ जाएगा, जो भी आपने पे किया था ओरिजिनल रिटर्न के टाइम पर वो अमाउंट आपका रिफंड में आ जाएगा। और इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे देनी है। ध्यान से दीजिएगा बैंक अकाउंट की डिटेल्स, क्योंकि इसी अकाउंट में आपका रिफंड आना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करके एक बार अपने रिटर्न का प्रीव्यू देख लेना है कि फिर से तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, कोई अमाउंट छूट तो नहीं गया है, और उसके बाद आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इस तरह से रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि रिटर्न को कैसे रिवाइज किया जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।